दोस्तों, राज्य सरकार में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितना महत्वपूर्ण पद थानेदार का होता है, लगभग उतना ही महत्वपूर्ण पद होता है आरक्षक का। तो दोस्तों, आरक्षक के पद के लिए आप लोग किस प्रकार से चयन हो सकते हैं, क्या इसके लिए प्रोसेस रखी जाती है, इन संपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के लिए आप लोग भर्ती हो सकते हैं, कैसे इनकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी, इन संपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू बिकम एन MP पुलिस कांस्टेबल, यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस में आप लोग आरक्षक किस प्रकार से बन सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को हम पूरी डिटेल में वीडियो में समझाएंगे। तो आपका बस काम इतना होगा कि वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ताकि आपको एक एक पॉइंट, एक एक जानकारी मिल सके और आप लोगों को सही और संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आप लोगों को क्या क्या योग्यता की आवश्यकता होती है, क्या योग्यता हासिल आप लोग कर लें ताकि आप लोग मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल आरक्षक के लिए फॉर्म डाल पाएं, कितनी परसेंटेज की ज़रूरत होती है 10वीं में ताकि आप लोग इसके लिए क्वालिफाइंग फॉर्म डाल पाएँ, एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जाते हैं। इसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे कि MP पुलिस कांस्टेबल आरक्षक के लिए कितनी एग्ज़ाम की स्टेजेस होती हैं, कितने चरण में ये परीक्षाएं कराई जाती हैं। उसके बाद बात करेंगे कि एक आदमी कितने अटैम्प्ट दे सकता है, यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है वो कितनी बार दे सकता है। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि इसका जो कट ऑफ है वो कितना जाने की संभावना है, पिछले साल इसका जो कट ऑफ है वो कितना गया था। उसके बाद आपसे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए आपको क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि आप लोग आसानी से इसका एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। फॉर्म भरने से लेकर आप लोगों की पूरी ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस तक आप पूरा हाल आप लोगों को सुनाएंगे, पूरी बातों पर चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करेंगे। बस आपसे गुजारिश होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल आरक्षक का जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं उसमें टोटल 13 पदों पर भर्ती निकाली जाती हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आरक्षक GD, आरक्षक चालक, आरक्षक कुक, नाई, आरक्षक धोबी, आरक्षक मोची, ये सारे आप लोगों के ट्रेड में आ जाते हैं। आरक्षक वाटर कैरियर, आरक्षक स्वीपर, मेशन, बिग्नोल, टेंट, खलासी, ये सारे आपके ट्रेड में आते हैं। आरक्षक GD आप लोगों का ये सामान्य ड्यूटी का होता है। वहीं पे आप लोगों के एक वैकेंसी होती है प्रधान आरक्षक की, इसमें आप लोगों को हेड कांस्टेबल के पद मिलते हैं, और एक वैकेंसी इसमें निकाली जाती है सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर की, इसमें आप लोगों को एक ASI का पद मिलता है जिसमें आप लोगों का कंप्यूटर की बेस पर एग्ज़ाम कराया जाता है। संपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे, घबराइए मत। पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट की कि आखिर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल आरक्षक भर्ती 2019 में चयन होने के लिए आप लोगों की जो एज लिमिट है वो कितनी मांगी जाती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश राज्य के अतिरिक्त, यानी कि अगर मध्य प्रदेश राज्य के बाहर का कोई उम्मीदवार इसमें फॉर्म भरता है तो उसको 21 से लेकर 28 साल तक की उम्र उनको मिलेगी, 21 से 28 साल तक की उम्र तक वो इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। वहीं पे अगर कोई उम्मीदवार मध्य प्रदेश राज्य का है, भले ही हो सामान्य वर्ग से भी हो, तो उसको 28 में 5 साल की छूट, ये सिर्फ 5 साल की छूट उन्हीं को मिलेगी जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार मध्य प्रदेश राज्य से बिलोंग करते होंगे। तो मध्य प्रदेश राज्य के सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 21 से लेकर 33 साल तक की यहाँ पर एज लिमिट दी गई है। वहीं पर OBC के लिए 3 साल की छूट और SC ST के लिए 5 साल की छूट। तो आप लोग इसमें जोड़ सकते हैं कि इसमें कितनी आप लोगों की एज लिमिट हो जाएगी। अगले पॉइंट पर बात करें कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल यानी कि आरक्षक के पद पर भर्ती होने के लिए आप लोगों को क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर आप कह सकते हैं क्या योग्यता मांगी जाती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आप लोगों को 10th पास मांगा जाता है। यदि आप लोगों के पास 10वीं पास आप लोग कर चुके हैं तो आप लोग आरक्षक पद के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल फॉर्म डाल सकते हैं। वहीं पर बात करें प्रधान आरक्षक और ASI जो कंप्यूटर में निकलती हैं वैकेंसी, तो प्रधान आरक्षक और जो कंप्यूटर में ASI की जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं, मैं बात कर रहा हूँ इन दो वैकेंसीज की, तो इसमें आप लोगों को 12वीं पास मांगा जाएगा और यहाँ पे आपके पेपर भी दो होंगे जिनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में आपसे चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि परीक्षा की योजना जो रखी जाती है, मतलब आप लोगों की जो परीक्षा कराई जाएगी वो कितने चरणों में कराई जाएगी। तो जैसा कि बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में बता रखा है कि आपकी जो परीक्षा होंगी वो टोटल 3 चरणों में कराई जाएंगी, जिसमें आपका पहला चरण होगा वो होगा आपकी लिखित परीक्षा, दूसरा चरण आप लोगों का होगा शारीरिक प्रवीण्य परीक्षा यानी कि आपका जो कहते हैं फिजिकल, तीसरा चरण होगा आप लोगों का साक्षात्कार। ये आपकी 3 परीक्षाएं इसमें होती हैं, इसी बीच आप लोगों का मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन सभी इनमें कंबाइन करा लिया जाता है। ये आपकी वो प्रोसेस है यानी कि एग्ज़ाम स्टेज आप लोगों की कितनी होंगी, तो 3 एग्ज़ाम स्टेज पर आप लोगों का इसमें फॉर्म जो चयन है वो कराया जाता है। अगली बात करें कि परीक्षा शुल्क मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए कितना रखा जाता है,
तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रश्न पत्रों की संख्या 2 और 1, ये क्या चक्कर है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप 12 और 13 नंबर पर जो आपकी पोस्ट थी हेड कांस्टेबल की और एएसआई की, उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 2 पेपर देने होंगे, जिसमें एक पेपर तो वो कॉमन होगा जो सभी पोस्टों के लिए आता है, और साथ में एक पेपर इसके लिए और आएगा जो कि टोटल कंप्यूटर का पेपर होगा। इसमें आपसे टोटल कंप्यूटर पूछा जाएगा, ये स्पेशली आप लोगों के लिए हेड कांस्टेबल और एएसआई की पोस्ट के लिए निकाला जाता है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों के 200 नंबर से मेरिट निकलेगी और बाकी जो बची आरक्षक और आरक्षक ट्रेड वाली हैं उनकी जो वैकेंसीज़ की जो मेरिट बनेगी वो 100 नंबर पे से बनेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि जो आप 12 और 13 नंबर की पोस्ट हेड कांस्टेबल और एएसआई के पद के लिए अप्लाई करेंगे तो सामान्य उम्मीदवारों के लिए 700 और एससी एसटी ओबीसी के लिए 350 रुपये की फ़ीस कटेगी, वहीं एक पेपर के लिए सामान्य कैटेगरी के लिए 500 और एससी एसटी ओबीसी के लिए 250 और 40 रुपये और 70 रुपये इसके पोर्टल चार्ज हर एक वैकेंसी के लिए कटेंगे। तो ये आपकी परीक्षा शुल्क की बात हो गई। आगे बात करेंगे कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है इस पूरी वैकेंसी के लिए। तो इसमें 3 कैटेगरी हैं आप लोगों की। पहली आरक्षक संवर्ग, इसमें आपकी आरक्षक जीडी और आरक्षक ट्रेड आते हैं। यहाँ पे आप लोगों का जो वेतनमान होगा वो 52,200 से लेकर 20,200 होगा और 1900 रुपये का ग्रेड पे होगा। सेम सैलरी है सब में, बस ग्रेड पे का अंतर है। प्रधान आरक्षक कंप्यूटर में आपकी 200 रुपये बढ़कर ग्रेड पे होगी। सहायक उपनिरीक्षक में आपकी 200 रुपये और 300 रुपये और बढ़कर 2400 रुपये की ग्रेड पे होगी। बाकी वेतनमान सबका सेम है। तो ये थी आप लोगों की सैलरी तक की जानकारी, मैंने आपको पूरी दे दी। इसके बाद आप लोगों को और बात बता दें कि यदि आप लोगों के पास 10वीं पास नहीं है तो आपके पास और कौन से विकल्प हैं ताकि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कम से कम यदि आप 10वीं पास है यानी कि आप 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास, आपके पास कोई भी डिग्री हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 10वीं पास नहीं है, मतलब 10वीं से नीचे पड़े हुए हैं, तो आप इसके लिए किसी भी हालत में अप्लाई नहीं कर सकते। वहीं पे बात करें परसेंटेज रिक्वायर्ड की, तो आपके लिए इसमें मस्ट पास होना ज़रूरी है, कोई भी परसेंटेज का काम नहीं है। यदि आप 33% भी लेकर आए हैं तो भी आप आरक्षक बनने की दौड़ में आप बिल्कुल भाग ले सकते हैं। और आप लोगों को एक बात और बता दें कि इसमें परसेंटेज का कोई रोल नहीं रहता, आप लोगों का कट ऑफ का जो एग्ज़ाम होगा उसके आधार पर ही आप लोगों का कट ऑफ तैयार कराया जाएगा। तो उस कट ऑफ को जो क्रैक करेगा वही मेरिट लिस्ट में आएगा और वही पास होगा। आगे बात करें एग्ज़ाम फॉर्म की, तो एग्ज़ाम फॉर्म आपके लगभग जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट PEB.gov.in पर आ जाता है। जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होते हैं उससे 1 महीने पहले आप लोगों का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है, जिसमें आपको वैकेंसी संबंधित सभी जानकारी मिल जाएंगी। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.peb.gov.in पे आप लोग देख सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग रेगुलर अपडेट रहिए ताकि आपको सही मिल जानकारी मिल सके। उसके बाद बात करेंगे एग्ज़ाम स्टेज की, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 एग्ज़ाम स्टेज इसमें होने वाली हैं। पहला आपका रिटन एग्ज़ाम, दूसरा फिजिकल और तीसरा आप लोगों का साक्षात्कार। तो यहाँ पे बात करें अटैम्प्ट कितने होने चाहिए, यानी कि आप लोगों कितने अटैम्प्ट में आप लोग इस वैकेंसीज को निकाल पाएँ, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी जब तक एज रहे यानी कि 21 से 33 सामान्य, 21 से लेकर आपकी 36 ओबीसी, ऐसी 21 से लेकर आप लोगों की 38 एससी एसटी, तो इन सभी लोगों के लिए जब तक आपकी एज लिमिट है तब तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। कोई भी अटैम्प्ट की बाध्यता नहीं है, आप लोगों को कोई भी रोका नहीं जाएगा कि आप लोग 4 बार पेपर दे चुके हो या 5 बार दे चुके हो, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। जब तक आपकी उम्र है तब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप आरक्षक के पद के लिए चयन हो सकते हैं। आगे अगर हम आपसे बात करें कि कट ऑफ इसका कितना जाने वाला है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कट ऑफ जाता है पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर। कभी कभी पेपर सिंपल आता है तो कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, कभी कभी अगर पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है तो कट ऑफ डाउन हो जाता है। 2016 की अगर हम बात करें तो 2016 में काफ़ी डाउन गया था कट ऑफ, 2017 में जो कट ऑफ गया था वो काफ़ी अच्छा गया था। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 साल का कट ऑफ अच्छा गया और 1 साल का कट ऑफ डाउन गया है। तो कट ऑफ की बात रहती है वो तो एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम किस सिलेबस के आधार पर डिपेंड करता है। आगे बात करें कि क्या आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उससे पहले आप लोगों को एक बात और बता दिया जाए कि आप लोगों की 3 स्टेज होंगी। पहला आपका रिटन एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम में आप लोगों का मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी और आप लोगों की जीके, जीके में ही आप लोगों की साइंस मिक्स होगी, कंप्यूटर मिक्स होगा। यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और जीके साइंस, इसमें साइंस आपकी 10 नंबर की रहती है, मैथ रीजनिंग मिला के आपको लगभग 60 से लेकर 65 नंबर तक होते हैं और आपके एक जीके होती है। यानी कि आप लोग ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग पर आप अच्छे से फोकस करते हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि आप पेपर क्रैक कर देंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जिसका अच्छा होगा वो ही बहुत ही बड़ा फ़ायदा उसको मिलता है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के पेपर में। दूसरे नंबर पर बात करें कि मान लीजिए कि आप लोगों का पहला स्टेज क्लियर हो गया, कट ऑफ में आप लोग आ चुके हैं, सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो सेकंड स्टेज में आप लोगों का होगा फिजिकल। जैसा कि आप सभी लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि जो फिजिकल होगा वो 800 मीटर की दौड़ होती है,
मेल उम्मीदवारों के लिए और फीमेल उम्मीदवारों के लिए भी 800 मीटर की दौड़ होती है। फीमेल उम्मीदवार और मेल उम्मीदवार दोनों के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, लेकिन इसमें टाइम का अंतर आएगा। जो मेल उम्मीदवार होगा आप लोगों का, मेल उम्मीदवारों को यहाँ पर 2 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा और वहीं पर जो फीमेल उम्मीदवार होंगी उनको 4 मिनट का समय दिया जाता है। तो ये तो आप लोगों का वो हो गया टाइम, किस प्रकार से आपको दौड़ के लिए टाइम मिलता है। रनिंग पास करने वाले उम्मीदवारों को ले जाया जाएगा लंबी कूद के लिए, जिसमें 13 फीट की लंबी कूद मेल उम्मीदवारों के लिए और 10 फीट की लंबी कूद रखी जाती है फीमेल उम्मीदवारों के लिए। इन लंबी कूद वाले सेक्शन को पास करने के बाद आप लोगों का तीसरा एक और चरण हो जाता है, जिसमें आता है गोला फेंक। तो गोला फेंक में आप लोगों को 19 फीट से लेकर आपको गोला फेंकना होता है, जो कि 7.5 लैप्स का आपका गोला होता है। तो ये सब आप आसानी से इसकी तैयारी कीजिए, आप लोग आसानी से इसका निकाल पाएंगे। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेज फिजिकल का। इसके बाद आपकी आती है तीसरी स्टेज, जिसमें आप लोगों का जो मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंटेशन होता है और आप लोगों को उसके बाद आप लोगों का उसी को साक्षात्कार बोला जाता है। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट निकाली जाती है, जिसमें आप लोगों को चॉइस फिलिंग करने के लिए मौका दिया जाता है। चॉइस फिलिंग का मतलब आप लोगों को मौका दिया जाता है कि आप किस प्रकार से अपनी मनचाही पोस्ट चुन सकते हैं। अगर आपके मार्क्स 80 प्लस हैं तो आप आसानी से CID, आपकी GRP, आपके रेडियो विभाग को ले सकते हैं। उसके नीचे आप लोगों की अलग अलग मार्क्स के आधार पर अलग अलग ब्रांचेस मिल जाती हैं। तो आगे बात करें आप लोगों की, आप लोग चॉइस फिलिंग कर देंगे तो यहाँ तक थी आपकी पूरी प्रोसेस। उसके बाद आप लोगों की जो आप संबंधित विभाग होगा उसमें आपके मेरिट के आधार पर आप लोगों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो बात कर लेते हैं आप क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैथ और रीजनिंग पे आप अपना पूरा फोकस रखिए, कि यदि आपका मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है तो 99% आप लोग इस बार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बिल्कुल नौकरी के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मेरा यकीन मानिए मैथ और रीजनिंग बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं आप लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का पेपर फाइट करने में। इसके बाद बात आपसे करते हैं कि आप लोग मैथ और रीजनिंग पढ़ने के बाद एग्ज़ाम को फाइट कर लेंगे। एग्ज़ाम के बाद आपको मैंने तीनों स्टेज बता दी कि किस प्रकार से आप लोगों का इसमें चयन होगा। साथ ही आप लोगों को बता दें कि 2019 का जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की जो वैकेंसीज है वो कब तक आएगी। तो 2019 की जो आपकी वैकेंसीज है वो आपकी 29 जून आप लोगों का जो ऑफिशियल साइट है उस पर डाला गया है, लेकिन ये थोड़ा बहुत लेट होने के कारण आपकी जो ये वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन होगा वो जुलाई के महीने में हर हाल में आपका आ जाएगा। तो आप लोगों को एक महीना और मिल चुका है तैयारी के लिए। तो निराश मत होइए, बहुत ही अच्छे मौका है, लगभग 10,000 से भी ऊपर वैकेंसीज इसमें निकाली जाएंगी, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज कराई जाएगी। नई सरकार को पहला मौका है वैकेंसी कराने का, तो एक बार आप लोग फिर से तैयारी में लग जाइए, बहुत ही सुनहरा मौका आप लोगों को मिलने वाला है। और साथ ही मध्य प्रदेश राज्य की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जॉब्स के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। और इतनी मेहनत करिए तो इसलिए पूरी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।